आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं कैसे चमत्कारी अप्सरा की साधना को लेकर आया हूँ, जिसे आप जितना भी आपको पैसा चाहिए, आप अगर बोलते हो तो आपके पलक झपकने से पहले उतना पैसा ये चमत्कारी अप्सरा आपके समक्ष लाकर रख देती है। यह चमत्कारी अप्सरा गरीब को अमीर, रंग को राजा और रोडपति को करोड़पति बस चुटकी बजाते ही कर देती है। यह चमत्कारी अप्सरा आपको इतना पैसा लाकर देगी कि आप रख नहीं पाओगे। इस चमत्कारी अप्सरा की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस चमत्कारी अप्सरा की साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी अप्सरा का नाम है संचिता अप्सरा, जो कि सिर्फ 108 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी यह चमत्कारी अप्सरा। और यह चमत्कारी अप्सरा क्या क्या कर सकती है वो ध्यान से सुनिए। यह पहले कोई भी पैसा से भरा गोडाउन हो, कहीं पे भी पैसा से भरा गोडाउन अगर है, आपके पलक झपकते ही एक जगह से दूसरे जगह वह कर देगी। आपको पैसे की ज़रूरत है, बस आप इस चमत्कारी अप्सरा को बोल कर देखिए, आपके पलक झपकते ही उतना पैसा आपके समक्ष रखा हुआ मिलेगा। कोई फाइल पर उच्च अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए, या कोई फाइल एक जगह से दूसरा जगह करना है, या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, या इम्पोर्टेंट फाइल है, या इम्पोर्टेंट कोई सामान है जिसे एक जगह से दूसरी जगह करना है, आपके पलक झपकते आपके चुटकी बजाते यह चमत्कारी अप्सरा कर देती है। यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, षटक्रम में षटक्रम करती है यह अप्सरा। और इसका वशीकरण का कोई तोर ही नहीं है, क्योंकि एक बार इसको अगर वशीकरण के लिए चला दिया तो आपके पलक झपकते ही सामने वाला आपके वश में होगा। यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह लॉटरी के बारे में बताती है, यह लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है, और 1,01% इसका लॉटरी का नंबर खुलता ही खुलता है। यह सट्टे के बारे में बताती है, सट्टे में यह गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है, और 1,01% यह नंबर खुलता ही खुलता है। उसके बाद में यह जमीन के नीचे जो गरा हुआ धन होता है और गुप्त धन होता है, उसका यह सटीक जानकारी 1,01% देती है। कोई मेरा भाई या बहन जो कि जमीन के नीचे का कार्य करता है, जमीन के नीचे गरा हुआ धन का कार्य करता है, उसके लिए तो यह अप्सरा वरदान स्वरूप है। यह 1,01% आपको बता देती है कि कहाँ पर गरा हुआ धन है, कैसे निकालना है, विधि क्या है, उसको कैसे क्या करना है, सारा कुछ यह बता देती है। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त औषधि के बारे में बताती है, ऐसी ऐसी बीमारी का यह औषधि बताएगी, ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताएगी जो कि चुटकी बजाते आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। यह आपको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की खबर लाकर देगी, कौन इंसान आने वाला है, किस लिए आने वाला है, उसके जेब में कितने पैसे हैं, पैसे का नंबर क्या है, वो क्या चाहता है, सामने वाले का हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी सब कुछ आपके समक्ष रख देती है। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त अप्सराओं की साधनाएं सिद्ध करवाती है, यह आपको गुप्त से गुप्त साधनाएं सिद्ध करवाती है। यह अप्सरा का तो गुप्त से गुप्त साधना सिद्ध करवाएगी, और अगर आपको कोई दूसरा कोई साधना करना है तो वो भी उसका भी गुप्त से गुप्त साधना का मंत्र आपको दे देती है, जो कि आपको मिनटों सेकंडों में साधना सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में यह आपको बूढ़ा नहीं होने देती है। अगर आपने इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र ही जाप कर लिया तो आपका जो बनावटी ढांचा है, शरीर का जो शरीर है आपका, वह बनावटी ढांचा रुक जाता है। आपका उम्र तो बढ़ेगा लेकिन आपका शरीर पर दिखेगा नहीं, यह आपका बुढ़ापा नहीं आने देता है आपके शरीर पर, यह आपका यौवन जो है, आपकी जो सुंदरता है वैसा का वैसा ही रहता है। और इस चमत्कारी अप्सरा के साधना करने के बाद में आप हीरे जैसे चमकने लगते हो, सूर्य जैसा चमक आपके शरीर में आ जाता है। अगर कोई भी लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर इस चमत्कारी अप्सरा की साधना करती है या करता है तो उसका जो उम्र है वो रुक जाता है, बनावटी उम्र रुक जाएगा, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन यह मत सोचिएगा कि आपका मृत्यु नहीं होगा, मृत्यु होगा लेकिन आपका जो उम्र है वो रुक जाएगा। आप जितने एज में यह साधना सिद्ध करोगे उतने ही के लगोगे। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में साधना सिद्ध किया तो आजीवन आप 20 साल के ही रहोगे, और आपने 40 की उम्र में किया तो आजीवन आप 40 के ही दिखोगे। मतलब जितने उम्र में आपने यह साधना सिद्ध की करोगे उतने के ही दिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में यह आपको हर तरीके से मदद करती है। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि किसी के पास जाता है बात करने के लिए तो सामने वाला उठकर चला जाता है, लोग आपको वैल्यू नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बात नहीं करना पसंद करते हैं, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। आपके स्वर में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में इतना आकर्षण आ जाएगा, जो कोई भी लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, लड़का, स्त्री, पुरुष कोई भी देखेगा वो तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा।
आपने किसी को पैसा दिया है, वो दे नहीं रहा है, तो बस इस चमत्कारी अप्सरा को बोल कर देखो, आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा देगा। आप पर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया है, वो कोर्ट केस हट जाएगा। आपका जॉब नहीं लग रहा, जॉब लग जाएगा। आप पर किसी ने मारण किया है या तंत्र का कोई भी तंत्र क्रिया आप पर किया गया है, तो बस आप इस चमत्कारी अप्सरा का सिर्फ मंत्र जाप करके देख लो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। आपका जॉब नहीं लग रहा, जॉब लग जाएगा। आपका संतान नहीं हो रहा, संतान हो जाएगा। आपका विवाह नहीं हो रहा, चुटकी बजाते विवाह हो जाएगा। आपका हर एक तरीके से यह अप्सरा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाती है। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि जॉब का एग्जाम दे दे के थक चुका है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे जॉब का एग्जाम हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो दे दे के थक चुका है, तो बस इस चमत्कारी अप्सरा का मंत्र जाप करके देखे, फिर देखे चमत्कार क्या होता है। यहाँ इसने पलक झपकाने के सामने में आपका लिस्ट में नाम होगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बीमारी से ग्रसित है, बहुत ज्यादा ग्रसित है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, डॉक्टर को दिखा दिखा के थक चुका है, जहां पर लोग बोलते हैं जाने को, जा कर थक चुका है, लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं होता, बस इस चमत्कारी अप्सरा को बोल कर देखो। यहां इसने आपका मंत्र जाप किया नहीं कि आपका बीमारी जड़ से खत्म हो जाता है। यह आपको हर तरीके से मदद करते हैं, यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। आपको पैसे की जरूरत है, यह पैसे चोरी कर लाकर आपको देगी। यह आपको अपने समय का भगवान बना देती है। एकांत कमरे में पहले क्या करना है आपको, मंगलवार वाले दिन में आपको उसको साफ कर लेना है, उसमें इत्र उत्र छिड़क लेना है। पहले लाल कपड़ा लेना है 2x2 का, उसके बाद लोवान, उसके बाद गुलाब का फूल जो होगा वो 4 लेना है, उसके बाद में गुलाब का इत्र लेना है, चमेली का तेल, तिल का तेल और आपको जो सरसों का तेल होता है उसको मिक्स करके आपको एक दीपक जलाना है। चौमुखा दीपक चलेगा, ठीक है, या तो 3 मुखा दीपक या तो 4 मुखा दीपक जला सकते हैं, या तो 3 अलग अलग दीपक जला सकते हैं, तिल का, चमेली का और सरसों का तेल का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल कपड़े पे 5 प्रकार का मिठाई, 5 प्रकार का फूल, 5 प्रकार का आपका फल रखना है, और वो गुलाब का फूल जो रहेगा सामने रख के फिर इस मंत्र का जाप करना है आपको। यह चमत्कारी मंत्र आपको अप्सरा सिद्धि में मदद करेगा। ओम ऐं श्रीं संचिता प्रिये आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह साधना 1,00,001% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा। साधना सिद्ध कीजिए, अपना और दूसरे का भला कीजिए, बुरा किसी का ही मत कीजिए। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए। साधना 1,00,001% सिद्ध होगा ही होगा।